हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। एंड आई होप आप सब कोई बहुत 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 ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये था, आज नवमी का दिन था फ्रेंड्स, और आज हम जा रहे थे अभी मामा के घर, क्योंकि मामा के घर में नवरात्रि की पूजा होती है। वहाँ पे जो नौ कुमारी को बैठा के जो पूजा होती है, कुमारी पूजन जो होता है वो होता है। तो हम निकल पड़े थे मामा के घर की ओर, यानी हावड़ा की ओर हम सबको निकल पड़े थे हम तीनों। तो ये जो रास्ता यहाँ से हम जा रहे हैं, ये दक्षिणेश्वर से जो रास्ता निकलता है हावड़ा की तरफ, तो हम उस रास्ते की ओर से हम जा रहे थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको याद है ना हमें क्या करना है, आप सभी को क्या करना है? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इन आवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। और वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। क्यों है ना फ्रेंड्स, जितना आप लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपका सपोर्ट हमें मिलेगा और हमारा चैनल भी उसी तरह ग्रो करेगा फ्रेंड्स। और आप सभी को थैंक यू हमारे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। तो वीडियो को आप पूरा एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स, और आगे देखते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा होता है। यहाँ पर पूरा क्लिप्स तो मैंने नहीं दे पाया, पर जितना हुआ उतना मैं यहाँ पर क्लिप्स यहाँ पर मैंने दिया है कुमारी पूजन का, और लास्ट में कुछ पिक्स भी दिए हुए हैं कुमारी पूजन के, और कुछ कुछ यहाँ पे उसके आने के समय, मतलब हावड़ा से जब हम अपने घर आ रहे थे उस वक्त का भी यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिया हुआ है पंडालों का, जो पंडाल में रास्ते में पड़े थे, तो वो सब का भी यहाँ पे कुछ पिक्स दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने बनाया अपना नवमी का दिन। तो वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, उसके लिए थोड़ा हमें माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना पूजा जा रहा था। हम बंगालीज का मतलब ये दुर्गा पूजा गया, उसके बाद लक्ष्मी पूजा गया, तो मुझे एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, आपसे हम माफ़ी मांगते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेट जा रहा है लेकिन बहुत अच्छा वीडियो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस आप देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट भी करें फ्रेंड्स कि कौन सा पार्ट आपको कैसा लगा। So let's enjoy friends. ये देखिए फ्रेंड्स, ये माँ शेरावाली का जो मूर्ति है वो यहाँ पे है, और यहीं पे पूजा हो रहा था। ये देखिए मामा जी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो लोटस जो होता है उसे यहाँ पे खिला रहे हैं मामा हाथों से, अपने हाथों से। तो बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से घर में जब पूजा वगैरह होता है। तो आगे में देखिएगा, पूजा और भी हो रहा है, और यहाँ पर नौ कुमारी को जो दिया जाएगा उसका पैकिंग भी यहाँ पर चल रहा है फ्रेंड्स। यह है वो मेकअप का सामान दे रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये है लड्डू का नवमी का लुक, यानी नवरात्रि का जो लुक है ये देखिए। लड्डू ने पहना है बनारसी साड़ी, जो मामा ने उसे कुमारी पूजा में गिफ्ट किया है, बनारसी साड़ी पहनी है लड्डू। और ये था कुट्टू मासी का लुक, ये देखिए कुट्टू मासी भी साड़ी पहनी है। तो ये जो साड़ी है ये सब कुछ मामा ही दी है इन लोगों को। और ये देखिए लड्डू का पीछे में जो जूड़ा किया हुआ है वो भी आगे में यहाँ पे पिक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे होम चल रहा है, यहाँ पे हमारे नवरात्रि के साथ यहाँ पे चंडी पाठ जो होता है वो भी हुआ था। तो आपने देखा लड्डू का लुक, आगे में और भी आप देख पाएंगे, और 9 और भी 8 जो कुमारी जो लड़कियाँ वो भी आएंगी, और वो सब एक साथ जब बैठे इतना अच्छा लग रहा था। 9 कुमारी बैठी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। आप कमेंट करके बताएं किस किस को ये अच्छा लगा। अभी आप देख पाएंगे आगे में और भी है, पिक्स भी है, वीडियो भी है, क्लिप्स भी है, आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए सभी को यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लड्डू थोड़ा बाहर घूम रही है यहाँ पे साड़ी पहन के, चल भी नहीं पा रही थी, इतना भारी है बनारसी साड़ी है लड्डू का। और ये देखिए यहाँ पर जो कुमारी लोग को जो प्रसादी दिया जाएगा उसका यहाँ पर सब तैयारी करके रखा हुआ है। और ये देखिए सारी कुमारियाँ जब बैठी हुई है कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी कोई पीला 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 साड़ी पहने में बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, क्यों है ना, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप सभी कोई बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर, ये देखिए सभी मेरी छोटी छोटी कुमारी आप सभी को हाई बोल रही है। और ये देखिए पूरा घर में भीड़ लगा हुआ है क्योंकि पूजा चल रहा था, सभी कोई आए थे। और यहाँ पर मामा भी पैर धो रहे हैं, उसके बाद फिर टीका वगैरह पहनाएंगे, पैर पोंछ के टीका वगैरह पहनाएंगे सभी को। तो वो भी आप आगे यहाँ पे वीडियो पे आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, और आप बस इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, तो वीडियो पे बने रहे फ्रेंड्स। देखिए मैं भी यहाँ पे जो 9 कुमारियाँ थी उन लोगों को मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे दे रही हूँ, मेरा मन से चाहा कि मैं इन लोगों को कुछ दूँ। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को नेल पॉलिश और एक अंगूठी जो होता है, बच्चों का जो अंगूठी होता है, और उसके साथ उन लोगों को सभी को पैर छूके मैं प्रणाम कर रही थी, और ये सब अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे थे फ्रेंड्स। We'll be right back.
यहाँ पे देखिए पूजा के साथ साथ, पूजा तो हो चुका था, यहाँ पे मेरी दो मामियाँ जो यहाँ पे देखिए डांस कर रही थी और मैं बता रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बोले करो करो, हम लोग यहाँ पे अपने ही मुँह से सब म्यूज़िक निकाल रहे थे, अपने यहाँ पे सब डांस कर रहे थे फ्रेंड्स। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर, पूरा शाम हो चुका है और देखिए पूरा काला बादल छाया हुआ था और अभी शाम हो चुका है पूरा, और अब हम अपने घर जा रहे थे। और घर जाते वक्त यहाँ पे कुछ पंडाल, देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत बड़ा एक मंदिर है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पंडाल है शिव जी का, नीचे दुर्गा जी का पूरा बड़ा पंडाल बना था, लाइटिंग काफ़ी अच्छा था, उसके साथ म्यूज़िक भी फ्रेंड्स, पर मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये और एक पंडाल था देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है पंखा से, तो और बस इसे आप इंजॉय करते रहिए। और सामने में देखिए बहुत सारे आगे में पिक्स है फ्रेंड्स, तो आप उसे भी इंजॉय करते रहिए। सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इन आवर चैनल दैट इज लड्डू की दुनिया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय।